सो है गाइस, दिस इज अनुज प्योर। गाइस, आज के इस वाले वीडियो में हम देखने वाले एक और सोलो रैंक पुशिंग गेम प्ले। तो गाइस, मेरा रैंक आ चुका है 638 पे। अगर शायद से मैं कल 2 या 3 मैचेस खेल लेता तो टॉप 500 के अंदर मैं आज दिखता तुमको। बट मैंने सोचा चलो कल लास्ट डे है, 31 दिसंबर है, कल ही कॉन्कर कर लेते। इसलिए मैंने यार कुछ तो बहाना बनाया कि मैं गेम नहीं खेलता हूँ, आलस करता हूँ और गेम को छोड़ देता हूँ। तो आज कर लेंगे यार, आज कर लेंगे कॉन्करर और फाइनली हम पहुँच जाएंगे। कल आपको कॉन्करर दिख जाएगा, ठीक है। तो बात कर देगा जिस वाले गेम प्ले की। यहाँ पे मैं फार्म के आसपास उतरा, वहाँ से व्हीकल उठाए और सीधा पहुँच गया मैं प्रिमोस पे। प्रिमोस पे आके लूट वगैरह करना स्टार्ट किया। इतना दूर इसीलिए आता हूँ क्योंकि भाई हैकर्स यार, थोड़ा बहुत हैकर्स का डर रहता है। हैकर्स तो मिले नहीं मेरे को कल, एक भी गेम में मेरे को हैकर मिला नहीं, बट फिर भी थोड़ा बहुत डर लगता है। तो गाइज़, यहाँ पे ठीक ठाक लूट मैंने कर ली, यहाँ पे एक बॉट भी मिल जाता है और यहाँ से मैं सीधा निकल पड़ा गाइज़ ड्रॉप के लिए। और ड्रॉप पे ऑलरेडी एक बंदा आ चुका था और यहाँ पे देखना, तो गाइज़ इस वाले बंदे को स्प्रे में ही निपटा दिया। उसके बाद ड्रॉप पूरा खाली था, ड्रॉप पे कोई भी नहीं आया और ड्रॉप में आराम से लूट लेता है। वहाँ से मेरे को मिल जाती है ग्रोज़ा मिनी 14, मैंने फेंक दी। और गाइज़ थोड़ा बहुत रिस्क लेना पड़ रहा है किल्स के लिए, ड्रॉप पे आना पड़ रहा है, क्योंकि अगर ड्रॉप पे नहीं आओगे तो भाई किल्स भी नहीं मिलेगी। ड्रॉप पे बंदे आते हैं तो एक हाथ किल्स निकालोगे, तो एंड सर्कल में तुम अगर थोड़ा सेफ भी खेलते हो तो भी तुम्हारे इनफ किल्स बन जाएंगे कि भाई तुमको अच्छा खासा प्लस मिल जाए। तो गाइज़ यहाँ पे मैं अभी आ चुका था फार्म के साइड, ये वाला शैक होल्ड कर रहा था और यहाँ पे एक BRDM दिखती है मेरे को। और BRDM भाई, इसके पहले वाले मैच में गाइज़ मैं BRDM से मारा था, तुमको बता तो मैं कैसे मारा था। तो गाइस, लास्ट वाले मैच में हुआ ये था कि मैं एंड सर्कल में सर्वाइव कर रहा था, अपने US के पीछे कवर लेके मैं बैठा था कि तभी एक BRDM वाला बंदा आता है और मेरे को लगा कि वो मेरे US को ठोकेगा। बट वो बंदा राइट मोमेंट पे राइट टर्न लेता है और मैं भी राइट साइड में आ जाता हूँ और वो मेरे ऊपर गाड़ी चढ़ा देता है। भाई देखो, मेरे को कोई दूर से थर्ड पार्टी करे, क्लोज में मारे, मेरे को चलेगा भाई। बट गाड़ी चढ़ा दी ना भाई, मेरे को बिल्कुल भाई बिल्कुल अच्छा नहीं लगता भाई, कैसे तो भी लगता है, एकदम बहुत गंदा वाला फील आता है वहाँ पर। तो ऐसा सीन हो गया था, इसलिए मैंने यहाँ पर पहले BRDM वाले को भगा दिया। उसके बाद ये वाली पोजीशन मैंने आके होल्ड की क्योंकि यहाँ पे जोन बना था नेक्स्ट वाला। और अभी देखना गाइस यहाँ पे, तो गाइस ये बंदा थोड़ी ऐसी हरकतें कर रहा था, यहाँ पे दरवाज़ा फोड़ दिया इसने, फिर से फायर लेने लगा। भाई कोई एंगल नहीं है फिर भी फायर लेने लगा, मेरे को थोड़ा सा इसके ऊपर डाउट होने लगा, मैंने इसको पीक नहीं दिया। उसके बाद इसने मेरे व्हीकल को टारगेट किया और व्हीकल को पूरा डैमेज दे दिया इसने। तो गाइस यहाँ पे बंदी की होशियारी देखो, ये बंदा गाड़ी को पूरा ब्लास्ट नहीं करता है, ये मतलब थोड़ी सी हेल्थ बची थी अभी व्हीकल की, उतने पे ये छोड़ देता है, मतलब जली थी, पूरी जली थी और उतने पे उसने छोड़ दिया। और इसका प्लान था कि अगर मैं गाड़ी के नज़दीक जाऊँगा तो ये गाड़ी को फोड़ देगा। बट अभी देखना गाइस यहाँ पे क्या होने वाला है। तो गाइस यहाँ पे मुझे बस एक मौका चाहिए था इस बंदे को मारने के लिए। ये बंदा थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो जाता है उस US वाले बंदे को मारने के चक्कर में और मौके का फ़ायदा उठा के गाइस मैंने इस वाले बंदे को ओपन में पकड़ लिया और निपटा दिया। इस बंदे को मार के भाई मस्त लगा, एकदम सुकून मिला मेरे को, क्योंकि भाई ज़रूरत नहीं थी इसको मेरी व्हीकल फोड़ने की या फिर दरवाज़ा फोड़ने की, फालतू की होशियारी कर रहा था और बंदा यहाँ पर निपटा जाता है। बाकी गाइस अभी देखना, एंड सर्कल अभी बचा था और यहाँ पर एक गाड़ी आ जाती है नज़दीक से। तो गाइस यहाँ पे स्प्रे दिया था यार मैं, अच्छा खासा इसके ऊपर स्प्रे दिया था, बट बंदा लास्ट मोमेंट पे बच गया। एक हाथ बुलेट और लग जाती तो बंदा मारा जा सकता है। ये होता है गाइस, 2 दिन तुम पबजी नहीं खेलोगे, अगर एकदम से आओगे तो भाई स्प्रे ऐसे ही मिस होगा। बट कोई नहीं, अभी भी गाइस बहुत सारे बंदे थे, अभी भी और किल्स निकलने बाकी है। सो देखना आगे क्या क्या होता है। यहाँ पे गाइस एक बंदा भाई बहुत बंदे पेल रहा था, पूरे 20 नाम था, वो बंदे ने पूरी लॉबी भाई बहुत बंदे मारे, उसके ऊपर थोड़ा सा डाउट होता बट उसको एक बंदा भाई DBS से मार देता है। तो गाइस जैसे ही वो बंदा मारा गया मैंने बोला ये वाला मैच अपन चिकन निकाल सकते हैं, थोड़ा सेफ खेलना पड़ेगा। पास ही में बग्गी थी तो बग्गी लेके मैं जोन की तरफ निकल पड़ा और जाते जाते गाइस यहाँ पे देखना अभी क्या होने वाला है। तो गाइस यहाँ पे बंदे का भाई तगड़ा स्प्रे आया था, एक 10 HP में बच जाता अगर Level 3 हेलमेट वेस्ट नहीं रहता, मतलब वेस्ट नहीं रहता तो भाई यहाँ पे शायद से मैं मारा जा सकता था, बट यहाँ पे एक मौका मिल गया। उसके बाद वो बंदा मेरे को यहाँ पे ओपन में स्पॉट हो जाता है, देखो आप।
गाइस यहाँ पे इस वाले बंदे को इजीली स्प्रे में निपटा दिया। यहाँ पे गाइस अभी बचे थे हम टोटल तीन बंदे, जिसमें से एक बंदे की मेरे को पोजीशन पता थी, जो कि मेरे पीछे के साइड लेफ्ट साइड में था, जिसने DBS चलाई थी, वो बंदे की मेरे को पोजीशन पता थी। और यहाँ पे गाइस जिस बंदे को मैंने मारा वो वाली लोकेशन क्लियर थी, तो मैंने सोचा वहाँ पे जाके अपन पोजीशन होल्ड करते। यहाँ पे आके बग्गे का मैंने कवर लगा लिया और यहाँ पे गाइस मेरे को एक शैक और एक US दिखेगी, और उस जगह पे मेरे को थोड़ा सा डाउट होता है कि मे बी वहाँ पे लास्ट बंदा बचा होगा। तो वहाँ पे मैं देखते हुए कवर लेके मैं बैठा रहा यहाँ पे, बट तभी गन फायरिंग की आवाज़ होती है, किल फील्ड में नाम आता है और मेरे को बंदे की लोकेशन पता चल जाती है। तो गाइस यहाँ पे बंदे की पोजीशन मेरे को पता चल चुकी है, मतलब एग्जैक्टली वो कहाँ पे वो नहीं पता, बट डायरेक्शन मेरे को पता चल गया कि हाँ भाई इस साइड में बंदा कहीं पे है। तो यहाँ पे मैंने सोचा पहले अपन स्मोक करते हैं, राइट साइड में स्मोक करेंगे और लेफ्ट साइड से जाएंगे, ऐसा मेरा यहाँ पे प्लान था। लेफ्ट साइड से इसलिए क्योंकि लेफ्ट साइड में मेरे को एक पत्थर दिखाई देता है और वो पत्थर था जोन के अंदर, तो मैंने सोचा वो पत्थर का अपन कवर लेंगे और बंदा स्पॉट करने की कोशिश करेंगे। लेटते हुए थे भाई मेरे को बंदे स्पॉट होते नहीं, इसलिए मैंने बोला पत्थर के पीछे खड़े रह के अपन बंदा जो बचा है आखिरी को स्पॉट करेंगे। ये सोच के मैं पत्थर की तरफ बढ़ने लगा, राइट में पूरा स्मोक किया और ऐसा ही होता है गाइस, उसका ध्यान राइट साइड होता है और मैं लेफ्ट से आराम से उस पत्थर तक पहुंच जाता हूँ। यहाँ पे आके मैं बैग वगैरह फेंक के बंदे स्पॉट करने की कोशिश कर, मतलब जो बंदा बचा है वो स्पॉट करने की कोशिश करता हूँ, तभी मेरे को पेड़ के पीछे उसके पैर दिखाई देते हैं। और यहाँ पे देखना गाइस, अभी तो यहाँ पे जैसे मैंने फायर किया उसने भी भाई अंधा फायर किया, और यहाँ पे भाई मेरे को एक मौका मिल गया। मैंने सोचा यहाँ पे अपन ग्रेनेड ट्राई करते हैं, स्मोक के आड़ में अपन आराम से ग्रेनेड ट्राई करेंगे। पहला नेट फेंकता हूँ, पता नहीं इसका डैमेज हुआ है नहीं, बट दूसरा नेट देखना गाइस। तो गाइस यहाँ पे ग्रेनेड भाई बंदे के मुंह पे फटा और हमको मिल जाता गाइस एक इजी चिकन डिनर। तो मैंने सोचा था ग्रेनेड करूँगा और उसके ऊपर रश करूँगा, बट रश करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी, ग्रेनेड ने अपना काम कर दिया और यहाँ पे गाइस चिकन डिनर हो जाता। तो गाइस इस वाले मैच से मेरे को मिला था टोटल 19+, और मैं आ चुका था 800 रैंक से सीधा 638 रैंक पे। तो गाइस आज का गेम प्ले कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो पसंद आए तो गाइस वीडियो को जरूर से लाइक करना, चैनल पे नए हो तो भाई सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑल पे सेट कर दो। और मैं मिलता हूँ गाइस आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।